बिरला एयरकॉन पेश करते हैं स्टेनलेस स्टील से निर्मित बिरला एयरकॉन वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर चिलर, आरओ सिस्टम्स एवं फ्रीजर ऑन व्हील्स। कभी न गले सालों साल चले, आइए नवीन इलेक्ट्रिकल्स, पुरानी दिल्ली चुंगी मेरठ। साइकिल बाइक से टकराने के मामूली विवाद में मेरठ लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में किराना व्यापारी 55 वर्षीय निजामुद्दीन की गला काटकर हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने आज मंगलवार के तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दो साथी भाग निकले। बदमाश सलमान के पैर में गोली लगी है, उस पर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। यह वारदात 23 अगस्त की शाम को हुई थी। चाकू से गला काटने के बाद बाइक सवार इन तीनों बदमाशों ने आतंक बरपाने की नीयत से वहां फायरिंग भी की थी। इस बारे में मेरठ के नवनियुक्त एसपी सिटी पीयूष कुमार ने यह जानकारी दी। दिनांक 23 अगस्त 2022 को थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला किदवई नगर में निजामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या से संबंधित अभियुक्त गण के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत शॉकिंग गार्डन में स्थित एक खंडहर में होने के संबंध में प्रभारी निरीक्षक लिसाड़ी गेट को सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा आज प्रातः 4:30 बजे के लगभग दबिश दी गई। अभियुक्त गण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में सलमान नाम का एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य दो अभियुक्त गण मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सलमान एक पेशेवर अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व से कई अभियोग गंभीर धाराओं के पंजीकृत हैं। अभियुक्त सलमान की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।